अब देखिए, बेसिक सैलरी 14,40,000, आप बताइए क्या ये टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होती है या ये एग्जेम्प्ट होती है? बेसिक सैलरी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होती है। तो लिहाजा हमने इस 14 लाख को एज इट इज यहाँ पे पेश कर दिया, और नदीम भाई ने बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, अलाउंसेस जितने भी हो, हमने बताया था कि वो पार्ट ऑफ सैलरी है, वो टैक्स होंगे, तो ये 14,44,000 भी यहाँ आ गया, राइट? उसके बाद जी क्वेश्चन में था अकोमोडेशन। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे? ठीक जी है सर। बल्कि मैं क्वेश्चन भी खोल के चाहूंगा कि हम पढ़ें उसको। एक इसमें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वो 5,40,000 जो है ना अकोमोडेशन में दे रहा है उसको। जी, बस वही हम एक कदर पढ़ लेते हैं। ये देखिए 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कोई भी पढ़े। अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर हैज बीन अवेल्ड बाय मिस्टर जेड ब्रैकेट फेयर मार्केट रेंट ₹540,000 हाउस रेंट अलाउंस इन कैश इज अदरवाइज अवेलेबल एट द रेट 40% ऑफ द बेसिक सैलरी इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट अवेल अकोमोडेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर एक तो ये कि मिस्टर जेड को फैसिलिटी दी गई है, और अगर मिस्टर जेड फैसिलिटी ना लेते अकोमोडेशन की, तो उनको 40% का हाउस रेंट अलाउंस मुयस्सर होता। तो ये वाली लाइन का तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो एक ये बात है कि अगर वो ना लेते तो ये होता, तो इस लाइन का तो हमें कुछ भी नहीं करना। हाउस रेंट अलाउंस कैश इन अदरवाइज अवेलेबल, यहाँ हमें देखना है। तो यहाँ हमने परक्विसिट, उसमें परक्विसिट की सेक्शन 13 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर घर मिला हुआ हो तो हम देखेंगे उस घर की रेंट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवरेज हायर, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वर्कआउट किया हुआ है नदीम भाई ने कि एक्यूमिडेशन फैसिलिटी रेंट वैल्यू क्या है, 5,40,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और 45% ऑफ बेसिक सैलरी इन्होंने निकाला है। बेसिक सैलरी ये रही, इसका 45% निकाल लिया तो क्या आ गया, 6,48,000 टैक्सेबल में क्या जाएगा, विच एवर इज हायर जाएगा, तो विच एवर इज हायर 6,48,000। देखिए यहाँ पर ये नदीम भाई ने ऐड भी किया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक ऐड किया नदीम भाई ने। यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं, आगे चलें? चलें, देखिए जी सर आगे चलिए। बोनस पार्ट ऑफ सैलरी होता है, बोनस पार्ट ऑफ सैलरी है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस भी देखिए ऐड हो जाएगा, लंच अलाउंस ये भी ऐड हो जाएगा, ओवर टाइम भी ऐड हो जाएगा, लीव इनकैशमेंट भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट वाला पॉइंट आ गया, इसको हमें देखना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था। ये है, ये देखिए मेडिकल अलाउंस भी इनको मिला है और मेडिकल रिइम्बर्समेंट भी मिली है एज पर दी पॉलिसी। तो हमने क्या बात की थी क्लॉज 31-39 में कि अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी हुई है तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर नदीम भाई से गलती ये हुई है कि नदीम भाई ने मेडिकल अलाउंस को भी ऐड कर दिया यहाँ पे और मेडिकल रिइम्बर्समेंट को भी ऐड कर दिया। तो मेडिकल रिइम्बर्स बताइए कौन सा इसमें से मैं डिलीट कर दूँ, मेडिकल अलाउंस या रिइम्बर्समेंट? रीइंबर्समेंट हाँ, रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट होगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो हमारी टैक्सेबल इनकम क्या बनी, टैक्सेबल सैलरी हमारी, इसका आप टोटल कर लें, इसको हम कह देंगे टैक्सेबल इनकम, राइट? ये टैक्सेबल इनकम है, और ये आपकी सारी वर्किंग का डाटा था। आप चाहें तो इसको हाइड कर दें एक कॉलम और, बस आप चाहें तो इसको हाइड कर दें। अब देखें ये अब आपका वन कॉलम में आपका आंसर आ गया, और इसको हम कर देते हैं विच एवरेज हायर की बजाय, वो तो हमारी वर्किंग थी, इसको हम कर देते हैं 45% ऑफ, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, इसको आप यहाँ से हाइड कर दें, ये करना जरूरी नहीं है, वैसे ही जरा
प्रेजेंटेबल शेप में आ जाए, और कोई मसला नहीं है। बाकी वह आप रख सकते हैं अपना कॉलम। ओके आइए। अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई थी इन्होंने, डोनेशन इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह। हम वर्किंग को दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि इसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं था, सैलरी की डेफिनेशन से तो हमने निकाल दिया। जैसे नदीम भाई ने डोनेशन तो दिखाई है 81,000, लेकिन कुछ किया नहीं उसको, टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं किया, बिल्कुल सही किया। इनहेरिटेंस अप्रूव पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन और जकात, टैक्स विदहेल्ड बाय एम्प्लॉयर, इन तमाम बातों का टैक्सेबल इनकम से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल राइटली ऐड नहीं किया नदीम भाई ने। सिर्फ एक गलती थी उनकी कि उन्होंने मेडिकल अलाउंस को, रिइंबर्समेंट को एग्जाम नहीं किया होता। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। और आपको पता है कि सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा था, टैक्सेबल इनकम ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करते हैं। तो फिर हमें कहना चाहिए ये टोटल इनकम है, ये सेक्शन 10 की इनकम है, राइट। इसमें से आप लेस कर देंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, और डिडक्टेबल अलाउंसेस 4 थे, हमने देखा था जकात, WWF, WPF, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जकात गिवन है, और जकात कितनी गिवन है हमारे पास, 87,000। तो अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा उससे हम क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे टैक्सेबल इनकम। ये कौन सी है, सेक्शन 9 की इनकम है। हो गया, यहां तक सब फॉलो कर रहे हैं, यहां तक किसी कोई सवाल है? क्लियर है सर। सही है, ये टैक्सेबल सैलरी आपकी बन गई यहाँ पे, राइट। अच्छा कंपटीशन में टाइटल में देखें क्या था, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो एक कंपटीशन ऑफ इनकम तो हो गई हमारी। अच्छा यहाँ से आगे जो है, नदीम भाई ने यहाँ पे किया हुआ था, वो नदीम भाई के कुछ चीज़ें लिंक थी, क्योंकि इन्होंने शीट से लिंक की थी तो वो डिस्टर्ब हो गई हैं। हालांकि यहाँ सारी वर्किंग हुई हुई है, अब हम वहीं कंटिन्यू कर लेते हैं, हम इस शीट को भी डिसरिगार्ड कर लेते हैं। ओके अब हमें क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी। ये कौन है, सैलरी केस है ना। तो आपको पता है डिवीजन 1 में हम जब जाते हैं तो दो टेबल मिलते हैं हमें, फर्स्ट कैजुअल में दो टेबल हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए जब फर्स्ट कैजुअल में हम आते हैं तो उसमें हमने बात की हुई है कि यहाँ पे टैक्स रेट्स होते हैं। तो फर्स्ट कैजुअल पार्ट 1, ये देखिए डिवीजन 1, डिवीजन 1, ये जो लाइन के नीचे हैं ये पुराने रेट्स हैं, इन्हें नहीं देखना आपने। अच्छा डिवीजन 1 है, पहले रेट्स दिए में बिजनेस क्लास के, ठीक है। फिर सेकेंड रेट्स जो दिए होते हैं वो सैलरीड क्लास के होते हैं, ये रहा 75% सैलरी ज़्यादा हो तो ये वाले रेट्स, ठीक है। अब ये रेट्स हमें लगाने हैं, तो हमारी इनकम कितनी आई है, टैक्सेबल इनकम 31,42,000। तो ये वाला स्लैब रेट आ रहा है, ठीक है, कि 24 लाख पे 1,65,000 रुपये फिक्स है, और 24 लाख से ऊपर 22.5% टैक्स लगेगा। आइए हम अब वर्किंग करते हैं। हम कहते हैं टैक्स लाइबिलिटी सैलरी स्लैब, ताकि याद रहे कि हमें कौन सा स्लैब हमने लगाया। ये टेबल 2 है, डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट कैजुअल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक हो गया। चले अब हमने क्या देखा था, टैक्स ऑन 24 लाख क्या था, अच्छा 1,65,000, और टैक्स ऑन ₹31,42,500 में से अगर हम माइनस करते हैं 24 लाख, तो 7,42,500 आ जाएगा, और इस पे टैक्स क्या था, 22.5%, ठीक है। इसको ऐसे हम निकाल लेंगे, दिस माइनस 24 लाख मल्टीप्लाई 22.5%, तो हमारा टैक्स कितना आ गया, 3,32,000 रुपये हमारी टैक्स आ गई। लेकिन ये तो हमारा, इसको तो हमने कंसीडर कर लिया जकात को, ठीक है। अब यहाँ डोनेशन भी दी हुई है और अप्रूव्ड पेंशन फंड भी है, तो आपको पता है इस पे तो टैक्स क्रेडिट मिलता है।
हम अब टैक्स क्रेडिट वर्क यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। क्लियर है सब? ओके, तो यहाँ पे हम पहले एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं। एवरेज एवरेज रेट जो टैक्स आया है उसको डिवाइड करते हैं टैक्सेबल इनकम से। सिंपल, ये आपका एवरेज रेट आ गया, यानी इसको परसेंटेज पे क्लिक कर लें तो इसका मतलब है मिस्टर जेड जो है 10.5% का टैक्स ब्रैकेट में है। तो अब आ जाइए, लिखते हैं हम लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बात, एक मिनट होल्ड करें जरा, डोनेशन को एक चीज हम यहाँ भी इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए डोनेशन कहाँ दी हुई है, यहाँ देखें, हमें टैक्स क्रेडिट लेना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर क्रॉस बैंकिंग देखें, ही पेड डोनेशन ऑफ 81,000 रुपीज थ्रू बैंकिंग चैनल टू हॉस्पिटल इन कराची बींग रन बाय एंड कंट्रोल्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 61 में ये लिखा है कि अगर आप क्रॉस चेक से पेमेंट कर देते हैं ऐसे हॉस्पिटल को जो सरकारी सरकार चला रही है, तो उसके लिए डोनेशन मिलती है और डोनेशन पर क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हम कोई बात पाते जिसकी वजह से डोनेशन के लिए क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो फिर हम इस इन्फॉर्मेशन को डिसरिगार्ड कर देते। लेकिन 61 के तहत ये एलिजिबल डोनेशन की पेमेंट है, उन्होंने सही काम किया है, क्रॉस चेक से पेमेंट की है। तो अब हम क्या करते हैं, लेस टैक्स, अब टैक्स क्रेडिट कैसे करेंगे, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। यहां से हमने एवरेज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने टैक्सेबल इनकम को, ये तो गलत किया हमने। हमें क्या करना था, हमें तो डोनेशन की वैल्यू लिखनी है, 81,000 रुपये डोनेशन की वैल्यू है। अब हम इस डोनेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेट से। ये देखिए हमारा टैक्स क्रेडिट कितना आया, 8,559। हमें टैक्स, हाँ हमने एवरेज रेट निकाला और जो भी डोनेशन थी सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज रेट से, और हमारे पास टैक्स क्रेडिट का अमाउंट आया। ठीक है, तो ये हमारा डोनेशन का टैक्स क्रेडिट वर्कआउट हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या अमाउंट देखा जाए, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी रिड्यूस हो गई, तो हम माइनस कर देते हैं 3,32,063 को 8,559 से। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी देखें, पहले आ रही थी 3,32,000, अब कितनी रह गई, 3,23,000। लेकिन एक टैक्स क्रेडिट और भी है, ये देखिए, अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर पेमेंट होती है तो इस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलता है एम्प्लॉय को। तो हम अगेन, कितनी पेमेंट थी, 1,08,000, हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं पूरे को और यहाँ कर देते हैं 1,08,000, और इसको करते हैं टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशंस टू हाँ अप्रूव प्रोविडेंट फंड। इसी तरह से दोबारा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, देखें इसी जो टैक्स क्रेडिट वर्कआउट होगा इसी रेट पे होगा जो एवरेज हमारा टैक्स का रेट आया। ठीक है, और अब देखते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या रह गई। अब हमारा टैक्स आ गया 3,12,000 रुपये, उसमें से हम माइनस कर देते हैं, ये हमारा टैक्स आ गया, ये हमारा क्या है, ये टैक्स है हमारा। अब जो टोटल टैक्स तो हमारा ये आया, अब ये हमारी क्या है, टैक्स लायबिलिटी, राइट। अब इसमें से आप लेस कर दें जो विदहोल्डिंग टैक्स आपको ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं एम्प्लॉयर, वो क्या था, वो था आपका 2,50,000 रुपए, राइट। सर, जी बोलिए। हाँ हमने जो ज़कात की डिडक्शन हुई है उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? ये रहा ना, हमने ज़कात का बेन, देखें दो तरह के बेनिफिट होते हैं, जो डिडक्टेबल अलाउंस हैं वो क्या करते हैं, जो हमने सर ज़कात की डिडक्शन दी है जी उसमें जी हमें कोई इस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ये देखे ना, ये रहा बेनिफिट ज़कात का, मैं येलो कर रहा हूँ, उसने हमारी टोटल इनकम को ही कम कर दिया, ये देखिए ना। क्लियर हुआ नवीद भाई?
जी नवीद भाई, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जकात हमने टैक्स टोटल इनकम में से लेस कर दी और फिर टैक्सेबल इनकम आई, तो बेनिफिट तो हमने एक्चुअली ले लिया ना, जकात को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, मेरे जहन में था शायद इसका कोई परसेंटेज बेनिफिट भी है इसके अलावा। नहीं, डबल बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, जुनेद एवरेज रेट का जरा बता दे कि हमने ये एवरेज रेट क्यों लिया हुआ है। एवरेज रेट इसलिए वर्कआउट किया है ताकि हमें डोनेशन पे जो टैक्स क्रेडिट निकालना है और अप्रूव एपीएफ है ना, अप्रूव पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन की है इस पे जो टैक्स रिबेट आना है, हम मल्टीप्लाई करते हैं जो पेमेंट्स की हैं उसको एवरेज रेट से, ताकि टैक्स क्रेडिट वर्कआउट किया जा सके। वरना अगर हम ये ना लेते तो हमें क्या करना पड़ता? आप देखें, ये करना होता, हम क्या करते, हम लेते इस टैक्स लाइबिलिटी को 332 और टैक्स जो ग्रॉस टैक्स निकाला था उसको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते, डिवाइड जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी, फिर मल्टीप्लाई करते अपने डोनेशन के अमाउंट से। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब अगर आप देखें, हम ये फॉर्मूला लगाएं तो भी यही अमाउंट आएगा, देखिएगा। तो भी वही अमाउंट आया। सिर्फ हमने एक आसानी पैदा करने के लिए, हमें वो फॉर्मूला आसान रहे कि हम 81,000 को मल्टीप्लाई करें इससे तो हमें ये आ जाए। तो ये एवरेज रेट का मतलब ये है कि ठीक हो गया हमने सर। टैक्स ठीक टू टैक्सेबल इनकम रेशियो निकाल लिया ताकि अपनी डोनेशन और एपीएफ की कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करके टैक्स क्रेडिट वर्कआउट कर सके। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी में से जो हमारा टैक्स विदहेल्ड हुआ हुआ है वो माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा टैक्स पेबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। ये जो आप चालान हम बनाते हैं ना, सेक्शन 137 का चालान बन जाता है डिमांड उसका, एडमिटेड टैक्स का, तो ये वो हमारा चालान बन जाएगा और रिटर्न जमा हो जाएगा। अब इस पूरे में कोई आप लोगों का सवाल हो तो बताइए। ये हम मुकम्मल कर चुके हैं और ये डाटा यहाँ ज़ाहिर लिखने की अच्छा सर, ज़रूरत ये नहीं है, मेडिकल, यहाँ पे ये हम इसको बेहतर ये है कि हम इसको यहाँ से निकालें और अलग कहीं अपने पास नीचे कहीं नोट्स वोट्स में, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ डाल दें, यहाँ से हम डेटा देख लें क्या था क्या नहीं था। हम यहाँ पे ज़रा क्लीन हो जाएगा, ये ज़रा मोर प्रेजेंटेबल हो जाएगा और हम यहाँ से इसको बंद कर दें। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर ये मेडिकल अलाउंस को हमारा एग्जाम्प्ट नहीं होता मेडिकल अलाउंस उस वक्त मेडिकल एग्जेम्प्ट फिर। होता है जब सिर्फ क्लॉज 139 में हमने देखा था लास्ट क्लास में के तीन सिनेरियोस बन रहे होते हैं। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है तो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट यानी मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है, रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट होती है, जो कि ये वाला केस है। और तीसरा ये था कि मेडिकल अलाउंस भी हो और मेडिकल रीइंबर्समेंट भी हो लेकिन एज पर पॉलिसी ना हो, तो फिर मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट टैक्सेबल होती है। जी सर, मुझे जी कुछ थोड़ा कंफ्यूजन था। मेडिकल जो है ना फैसिलिटी को हम तो टैक्स कहते थे हाँ और हाँ मेडिकल अलाउंस जो है ना हम उसे सर्विस की थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। जी, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? तो हमने अपने सवाल में जो डेटा था उसमें से टैक्सेबल इनकम निकाली और फिर देखें डिडक्टेबल अलाउंस के कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया, उसके बाद टैक्स रेट कैसे लगना है उसको टेस्ट किया, उसके बाद हमने टैक्स क्रेडिट्स कैसे निकाले। ये वर्किंग हम मॉड्यूल 2 में करेंगे बहुत सारी। ये वर्किंग करने के बाद फिर टैक्स रिटर्न या IRIS पे तो यहीं से कॉपी पेस्ट होती हैं चीज़ें। तो पहले हम ये कैपेबिलिटी बनाते हैं कि हम अब हमें टैक्स टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेबल हम स्प्रेडशीट पे खुद बनाएं, जो हमने इनकम टैक्स को सीखा है उससे खुद बनाएं, और फिर हमें IRS पे तो जस्ट फीडिंग करनी है एक खास अंदाज से उनके फॉर्म्स को समझते हुए। सेकंड, ये टैली करना है कि IRS जो वर्किंग कर रहा है, क्या हमने जो वर्किंग की है ये टैली है या नहीं है। अगर टैली नहीं है तो हमारी वर्किंग गलत है या IRIS की वर्किंग गलत है, फिर हमने उसको डीप डाउन देखना है। तो ये एक इलस्ट्रेशन थी, नदीम भाई ने एक अच्छी अटेम्प्ट की थी, मैंने उनका ये भी एरिया देखा था, उनका तकरीबन सही है सब, थोड़ा बहुत एरर आ गया था, वो उन्होंने मेडिकल अलाउंस को टैक्सेबल नहीं किया था आई थिंक, या सॉरी मेडिकल रिइम्बर्समेंट को भी टैक्सेबल आई थिंक कर दिया था। तो अच्छी एफर्ट थी नदीम भाई की तरफ से, हमने उन्हीं की स्प्रेडशीट पे।
करके काम करने के। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैंने ना ये किया था कि मेडिकल इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जाम्प्ट की थी अगली शीट में, मैंने रेट गलत लगा लिया था, मैंने यहाँ पे जहाँ पे 22.5 है ना उसको 20% किया था। अच्छा, सही सही, अच्छा, हाँ आपने वर्किंग तो यहाँ की हुई है ना, आगे की हुई है, तो यहाँ से आप कह रहे हैं आपने यहाँ से माना एग्जाम कर लिया था। ठीक है ठीक है, चले आपने देख भी लिया कि कोई मतलब सबने भी देख लिया स्क्रैच से, और आपने तो किया हुआ था, तो जो गलती थी आपकी वो भी आपके सामने आ गई, और हम इसको कर देते हैं टैक्स ईयर 2024। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो जो हम काम कर चुके हैं, एडवांस टैक्स का टॉपिक है, कैपिटल गेन का टॉपिक है,